नाजरीन, मैं आपकी मेज़बान हुरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन एक नंबर पर और यहाँ मौजूद है सलाउद्दीन फ़िश, जो कि बहुत मशहूर है। फ़िश तो सभी खाते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ क्योंकि इनका बनाने का तरीका, द वे ऑफ कुकिंग एकदम यूनिक है। ये अपनी फ़िश को किस तरीके से तैयार करते हैं ये आज मैं आपको बताऊँगी, बल्कि ले चलूँगी और दिखाऊँगी कि वो अपनी फ़िश को किस तरीके से बनाते हैं और उनका स्टाइल यूनिक क्यों है। क्यों कहा जाता है कि सलाउद्दीन फ़िश अपने आप में एक महारत रखते हैं। सो मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और चलते हैं, विजिट करवाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये बनाते हैं। स्टे ट्यून। तो मैं अब आपको लेकर चलूँगी जहाँ पर कस्टमर्स बैठते हैं और खाते हैं, मज़ेदार फ़िश का मज़ा लेते हैं। आपको जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सफाई का ख़ास इंतज़ाम है, मैं अंदर लेकर चलूँगी आपको और दिखाऊँगी, प्रूफ दूँगी कि वाकई यहाँ पर सफाई का कितना इंतज़ाम है। तो जी जनाब, हम आ गए हैं अंदर जहाँ पर इस टाइम सारे कस्टमर्स मौजूद हैं, सर्विंग हो रही है, लोग खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितना वेल मेंटेन फर्नीचर है, कितनी खूबसूरती से मेंटेन किया हुआ है। आपको दिखाने के लिए कि ये किस तरीके से जो है फिश बनाते हैं, किस तरीके से मैरिनेट करते हैं, चले मेरे साथ। ये बन चुकी हैं इनकी, ये तैयार है, ये इन्होंने मैरिनेट करके रखी हैं। अच्छा, ये अलग अलग फिशेज हैं, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि जहाँ मतलब अक्सर हम देखते हैं कि फिशेज वगैरह वाला जो होता है, लेकिन वहाँ पर इतनी सफाई का ख्याल नहीं किया जाता और मतलब अजीब सी फिश की स्मेल आ रही होती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं, आप देख रहे हैं हर चीज़ नीट एंड क्लीन है। अच्छा, इनका सर्विंग सिस्टम जो है वो अलग है, वो इसकी जो है वो बराबर में है, वो भी मैं आपको विजिट करवाती हूँ कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। वाओ, ज़बरदस्त। ये मसाला जो है वो हस्बे ज़रूरत और जिसको जितना चाहिए वो करते हैं। अब हम ले चलते हैं आपको इनकी दूसरी साइड पर। जी, तो व्यूवर्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि इनके बनाने का तरीका बड़ा जो है वो अलग सा है, यूनिक सा है। तो यहाँ पर ये स्टीम फिश तैयार करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि ये स्टीम फिश किस तरीके से तैयार करते हैं। आप देख रहे हैं कि इन्होंने एक पेपर रख लिया है। आप देखते हैं कि ये इसके बाद का इनका स्टेप क्या होगा। बताया है कि इनकी फ़िश बनाने का वे ऑफ कुकिंग और वे ऑफ स्टीम बिल्कुल अलग है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वही स्टीम फिश तैयार कर रहे हैं और इनका आप वे देख सकते हैं किस तरीके से है। तो इनसे बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये क्या तरीका है स्टीम फिश बनाने का? ये तरीका ये ऐसा है कि हम लोग मतलब के जैसे कि बारबेक्यू सीखे हैं, ये सारी चीज़ें हमने घर में बना के अच्छा के अपने खुद ही ट्राई करके कौन सी चीज़ क्या बन सकती है। तो अभी रमजानों में जो है फिश बिरयानी भी लगेगी। अच्छा, और अभी ये स्टीम फिश भी जा वो भी। अच्छा, स्टीम फिश का क्या मतलब, टेस्ट भी बिल्कुल अलग होता है, यूनिक होता है इस तरह का? यूनिक नहीं मतलब कि जिस तरीके से आप बना रहे हैं इसको, तो बनाने के बाद ये इसका टेस्ट मतलब दूसरी फिशेज से अलग होता है? बिल्कुल अलग होता है। इसमें जो स्टीम, इसमें जो पानी होता है उस चीज़ का, मसाले का, उसका बिल्कुल अलग टेस्ट होता है। फ्राई से और ग्रिल से डिफरेंट बिल्कुल इस तरीके से होता है। हमारे साथ सलाउद्दीन फिश के ऑनर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताएं, वैसे तो फिश सभी खाते हैं, लेकिन यहाँ की क्या यूनिकनेस है कि लोग कहते हैं कि बहुत महारत रखते हैं सलाउद्दीन फिश वाले? अल्हम्दुलिल्लाह, चीज़ अच्छी इस्तेमाल करते हैं और तेल वगैरह अच्छा होता है हमारा, फिश ताज़ी होती है, सबसे बड़ी बात है मछली की ताज़ी होना। अच्छा, बाकी अल्लाह का करम है, जो है माँ बाप की दुआएं, अल्लाह पाक चला रहे काम। अच्छा, और लोग दूर दूर से आते हैं, पसंद करते हैं, भरोसा करते हैं, माशाल्लाह मछली खाते हैं भरोसा करके। अच्छा, तो यूनिकनेस क्या है यहाँ की, क्या यूनिक है? हमारे पास जो है फिश बोलने से हमने यहाँ पर शुरू किया है, ग्रिल फिश है, स्टीम फिश है और हमारी फ्राई तो माशाल्लाह बहुत फेमस है।
तीन आइटम हमने यहाँ नए शुरू किए हैं, बारबेक्यू बोनलेस, अच्छा, बारबेक्यू ग्रिल फिश और स्टीम फिश, अच्छा, ये तीन हमने शुरू किए हैं यहाँ पर। अच्छा। तो माशाल्लाह अच्छा इसका रिस्पांस है यहाँ पर लोगों। अच्छा, तो ये अलग अलग मतलब कैटेगरीज की फिश जी, है जी, आपके पास। क्या प्राइस क्या है? फिश हमारे पास 1800 से लेके जो है वो 700 रुपए किलो तक की है। अच्छा जी, और अभी इस वक्त 1200 रुपए रेट है सब मछली का। अच्छा जी, ठीक है। तो ये आप मुझे ये बताएं कि वैसे तो कहते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बनाने का आपका जो वे है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ऐसा कुछ हम हाँ। बिल्कुल हल्की आज मछली को पकाते हैं, कड़क नहीं करते मछली को। कोई भी हमसे बोलता है कड़क करने का, मना कर देते हैं कि भाई कड़क क्या है। असल में कड़क मछली जो है वो थोड़ी सी जो बासी मछली होती है ना, उसको कड़क किया जाता है उसकी स्मेल मारने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माल ताज़ा होता है। अच्छा। तो हम इसलिए उसको हाफ फ्राई देते हैं लोगों को, कि मछली का अपना टेस्ट आए उसमें। अच्छा। और उसमें जूसीपन हो, जूसी मछली बना के देते हैं। अच्छा। बिल्कुल खुश्क नहीं होती मछली। मैं इनके रेस्टोरेंट का भी विजिट करवाऊंगी। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सा और फर्निश्ड बहुत अच्छा इन्होंने किया हुआ है, तो हम विजिट करते हैं फिर आपके रेस्टोरेंट का। जी जी बिल्कुल। तो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सलाउद्दीन फिश की बात ही कुछ और है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास मौजूद है ग्रिल फिश, टूना बोनलेस और मुश्का। इसी के साथ साथ कि जैसा मैंने आपको जिक्र किया था, जो यहाँ की यूनिकनेस है और जो यहाँ की स्पेशलिटी है वो है स्टीम फिश। और आप देख सकते हैं कि स्टीम फिश, वाओ, ये देखें इस टाइम मेरे पास मौजूद है। इस कितनी खूबसूरती से आप देख सकते हैं कि किस तरह से खुशबू आ रही है और इसके धुएं उठ रहे हैं। ये है स्टीम फिश इनकी, और मैं स्टीम फिश आपको अब टेस्ट करके बताऊंगी कि इसका टेस्ट किस तरीके का है। सो आप देख रहे हैं इसके ऊपर लेमन और ये सब स्टीम भी हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्म है। सो अच्छा, क्रिस्पी नहीं है, सॉफ्ट सी है, आप चेक कर सकते हैं। वाओ, बिल्कुल भी स्मेल नहीं है इसमें। सो अब बारी आती है ग्रिल फिश की, हम ग्रिल फिश भी टेस्ट करेंगे। ओके, मछली के शौकीन लोग तड़पो तड़पो तड़पो। अमेजिंग। अब बात है, एक साथ सबका रिव्यू दूंगी मैं आपको। अब बात आती है टूना बोनलेस की। टेस्ट बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं इसको, मतलब बिल्कुल अंदर तक ये जो है वो गला हुआ है। अब इसको हम सॉस के साथ भी चेक करेंगे। मैंने पहले सॉस के साथ इसलिए चेक नहीं किया था क्योंकि इसका एक्चुअल टेस्ट फिर मैं आपको बता नहीं सकती थी। अब मैं सॉस के साथ चेक करूंगी। ऑल ओवर बहुत अच्छा है, स्पेशली जो इनकी स्पेशलिटी है वो बहुत कमाल की है। वाकई इसका टेस्ट जो है वो बाकी फिशेज से बहुत ज़्यादा अलग है, मैं ये रिकमेंड करूँगी आप ज़रूर यहाँ पर आए। इसके प्राइस भी बहुत रिजनेबल है। सो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। हमारे प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। देखते रहिए वॉइस ऑफ नेशन। अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।